हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करेंगे एक्सरे इंटरेक्शन विद मेटा के बारे में। ठीक है, देखिए इसके टाइप्स क्या हैं। कोहरेंट स्कैटरिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटॉन स्कैटरिंग है, पेयर प्रोडक्शन है और फोटो डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोहरेंट स्कैटरिंग के बारे में। तो ये अनमॉडिफाइड या क्लासिकल स्कैटरिंग है। इसमें जो एनर्जी होती है एक्सरे की, वो आपकी होती है लेस देन 10 KeV। अनमॉडिफाइड क्यों होती है? क्योंकि इसमें आप जितना इनपुट देते हैं उतना ही आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद के टू टाइप्स हैं, थॉम्सन स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपने इंसिडेंट फोटोन दिया, ये पूरे एटम को इफेक्ट करेगा, ये पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जो स्कैटर्ड फोटोन निकला है, मतलब क्योंकि आपने अब क्या हुआ, एटम के पास एनर्जी आ गई, वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये जो स्कैटर फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, वो उसकी वेवलेंथ और ये वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ थी वो सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन ये इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसे हम बोलते हैं कोहरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, कोहरेंट स्कैटरिंग। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर विजिट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।